क्या हाल चाल है दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है कुलजिंदर 3D। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं CNC डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस सेट कर रखा है, उसको पहले मैं 00 ओरिजिन पे सेट करूँगा, सो दैट उसको मैं रेपिटेटिव, जैसे हमारा जो पैटर्न है वो रेपिटेटिव पैटर्न है, रेपिटेशन यहाँ पे उस पर रिपीट हो रहा है, उसके लिए मैंने रेफरेंस के लिए एक सिलेंडर बनाया है। तो जो हमारा एक एज था सिलेंडर का, वो मेरा एक पैटर्न को प्रेजेंट करेगा। उसके बाद मैं एक प्लेन लेता हूँ और उसको मैं ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ। तो ऐसे ही हम इसको ड्रॉ करते जाएंगे, प्लेन को आगे आगे एक्सट्रूड करके हम उसको बना सकते हैं। इसका दूसरा तरीका एक फास्ट वे भी है। फास्ट वे ये है कि आप अगर आप इलिस्ट्रेटर यूज़ करते हो तो इलिस्ट्रेटर में जाके इसकी कर्व्स बना सकते हो। कर्व को हम डायरेक्टली यहाँ पे आके, कर्व जो होती है वो एज एन स्प्लाइन यहाँ पे वो इम्पोर्ट हो सकती हैं, तो वहाँ से भी आप इसको एक्सट्रूड करके डायरेक्टली बना सकते हो। ये मैन्यूअल वे है, हम उसको कैसे बना सकते हैं तो चेक कर दें। जैसे हमारा सारा पैटर्न बन जाता है तो उसके बाद मैं उसको सपोर्टिंग एज दे रहा हूँ। यहाँ पर कॉर्नर चाहिए थे, वहाँ पर मैं उसको बॉर्डिंग्स दे रहा हूँ, सो दैट वहाँ पर हार्ड आ जाए। यहाँ पर मेरे को राउंडनेस चाहिए, वहाँ पर राउंडनेस। उसके बाद मैंने उसको ऑफसेट किया है, सो दैट जो कॉर्नर्स थे उसको मैं अलग वे में अच्छे तरीके से प्रजेंट कर पाऊँ, और उसको जहाँ पर हार्डन चाहिए था वहाँ पर मैं उसको जिसको बाउंड कर पाऊँ। तो अभी मैं जो हमने सिलेंडर का एज बनाया था उसी के हिसाब से हम उसको जो हमारा आउटर एज है, सो दैट हम जब उसको मिरर या फिर रोटेट करेंगे के एंगल पे, स्पेसिफिक एंगल पे, उस पर जाके वो एग्जैक्ट उसके जो हर एक वर्टेक्स होगा वो एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे आए। जो हाफ पार्ट बनाया हमने, हाफ पार्ट उसका मिरर करेंगे, उसके बाद जो सारा पैटर्न होगा वो हमारा रेपिटेटिव होगा, तो हम उसको रोटेट कर देंगे। अभी इसमें 6 डिजाइन, तो हमारा जो सिलेंडर का ऑल ओवर डायमीटर होता है वो हमारा 360 होता है, तो इसका एंगल निकालने के लिए 360 / 6, उसके बाद हम उसको 60 डिग्री पे प्रॉपरली एग्जैक्टली रोटेट कर देंगे, तो हमारे पास जो डिज़ाइन है वो बन के आ जाएगा, सो हो जाएगा। उसके बाद हम उसको थिकनेस देने के लिए शेल किया है। कल करने के बाद मैंने मल्टी कट यूज़ करके, क्विक स्लाइस यूज़ करके उसमें सपोर्टिंग एज बना दिए हैं। इस तरीके से हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।